डियर फ्रेंड्स, आजकल चांद की हर जगह चर्चा है, तो आइए चांद के बहाने आज हम थोड़ा काम की बात करें और कुछ अंग्रेजी सीखें। लेकिन उसके पहले थोड़ा मन की बात कर लेते हैं। ये कमबख्त चांद भी क्या चीज है, ये कमबख्त चांद भी क्या चीज है, इसको देखते ही न जाने क्या क्या ख्याल आता है, इसको देखते ही न जाने क्या क्या ख्याल आता है। भूखे को रोटी नजर आती है, आशिक को प्यार नजर आता है। भूखे को रोटी नजर आती है, आशिक को प्यार नजर आता है। सचिन को सीमा और अंजू को नसरुल्ला के प्यार में तड़पाता है। ये कमबख्त चांद भी क्या चीज है, इसको देखते ही न जाने क्या क्या ख्याल आता है। मजहबी तंग दिली से इसे कोई मतलब नहीं, मजहबी तंग दिली से इसे कोई मतलब नहीं। करवा चौथ में चांद हिंदू तो ईद में मुसलमान बन जाता है। राजनीति भी क्या चीज है, राजनीति भी क्या चीज है। कुछ लोग मर जाएंगे पर चांद को मामा नहीं कहेंगे। राजनीति भी क्या चीज है, कुछ लोग मर जाएंगे पर चांद को मामा नहीं कहेंगे, क्योंकि चुनाव के समय यह मध्य प्रदेश की याद दिलाता है। चांद को बॉलीवुड ने भी काफी परेशान किया है और चांद ने भी फिल्मी दुनिया को काफी परेशान किया है। किसी को शिकायत है कि चांद फिर निकला मगर तू न आए, तो कोई चांद से पर्दा करने की बात करता है। चांद से पर्दा कीजिए कहीं चुरा न ले चेहरे का नूर, तो कोई चांद से ओपिनियन मांग रहा है, जजमेंट मांग रहा है अपने महबूबा के बारे में। मैंने पूछा चांद से कि देखा है कहीं मेरे यार सा हंसी, चांद ने कहा चांदनी की कसम नहीं नहीं नहीं। तो कोई चांद को भी ईर्ष्यालु बता रहा है, चांद आहें भरेगा फूल दिल थाम लेंगे, हुस्न की बात चली तो सब तेरा नाम लेंगे। कोई कह रहा है कि जो मिला है उसी में खुश रहो, चांद सी महबूबा हो मेरी कब, ऐसा मैंने सोचा था, हातुम जैसी हातुम बिल्कुल वैसी हो जैसा मैंने सोचा था। अब आइए चांद को थोड़ा राहत दें, थक गया होगा। लेकिन राहत की जब बात आई तो राहत इंदौरी साहब को हम कैसे भूल सकते हैं। ये राहत इंदौरी साहब कहते हैं कि तारों को नुमाइश में खलल पड़ता है, तारों को नुमाइश में खलल पड़ता है, चांद भी पागल है, चांद पागल है अंधेरे में निकल पड़ता है। अब देखिए कि पाकिस्तान में कुछ नेताओं का और वैज्ञानिकों का मानना है कि भाई वास्तव में इंडिया चांद पर लगता है कि गया नहीं है, ये तो कुछ अपना खेला कर दिया है, झूठ का खेला। तो पाकिस्तान को विक्रम में भी झूठ का खेला नजर आता है। मैं तो कहता हूँ कि युद्ध की जरूरत ही नहीं, मैं तो कहता हूँ युद्ध की जरूरत ही नहीं, ऐसा ही मिशन चांद और सूरज पे भेजते रहो, जलने वाले जल भुनकर यूं ही मर जाएंगे। तो जो जलने भुलने वाले लोग होते हैं, जो अकारण बात बात में आपसे ईर्ष्या करें, वैसे लोगों को हम क्या कहते हैं, ग्रीन आईड मॉन्स्टर। खैर, अब गाने वैसे नहीं बनते क्योंकि चांद जो है वो दिल में उतरता है, चांद जो है दिमाग में नहीं उतरता है। अब आइए हम थोड़ा इडियम्स वगैरह कुछ देखें, कुछ वर्ड्स को देखें। ये है मून स्ट्रक। मून स्ट्रक का मतलब कुमार विश्वास को थोड़ा याद कर लेते हैं। कोई
दीवाना कहता है कोई पागल समझता है। तो जब इस तरह की दीवानगी आ जाए, जब इस तरह का पागलपन आ जाए, तो इसको कहते हैं कि यह आदमी मूनस्ट्रक हो गया है, यह दीवाना हो गया है। मूनस्ट्रक मीन्स दीवाना, क्रेजी, पागल। तो जैसे बहुत सारे लोग अभी मूनस्ट्रक हो गए हैं और क्रॉस बॉर्डर अफेयर जो है वो एक तरह से देखें तो बढ़ गया है। अब दूसरा हम देखते हैं ओवर द मून। ओवर द मून का मतलब होता है एक्सट्रीमली डिलाइटेड। जैसे ही भारत चांद पे पहुंचा, सारे इंडियंस और कुछ विदेशी भी जो हमसे प्यार करते हैं, ओके, वी फेल्ट ओवर द मून। हम लोगों को लगा कि जैसे हम काफी खुश हो गए हैं, ठीक है। तो जब आप काफी खुश हो जाते हैं तो कहते हैं कि वी आर ओवर द मून, ही इज ओवर द मून, सी इज ओवर द मून। आज जैसे एक बच्चे का बर्थडे है, उमंग का, ठीक है, तो आप कह सकते हैं कि आज उमंग का बर्थडे है, काफ़ी इसे पेरेंट्स ने सेलिब्रेट करने का सोचा है। तो उमंग इज ओवर द मून, उमंग इज ओवर द मून। अब आइए अगला देखते हैं, आस्किंग फॉर द मून। आस्किंग फॉर द मून का मतलब होता है कुछ वैसा चीज मांगना जो रीजनेबल नहीं हो, जिसे देना भी बहुत कठिन हो, ठीक है। तो आप ऐसे कहते हैं कि अगर एक सेंटेंस हम जरा बना करके देख लेते हैं कि यू जस्ट यू नो प्रोवाइड सम ये हेल्थ केयर एंड एजुकेशनल फैसिलिटीज, यू प्रोवाइड सम गुड हेल्थ केयर एंड एजुकेशनल फैसिलिटीज, ओके, इन ऑल द डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स। मैं इतना ही आपसे मांग रहा हूँ कि आप सभी जिलों में कुछ अच्छा अस्पताल खुलवा दीजिए, कुछ अच्छा जो है एजुकेशन का इंतजाम कर दीजिए। आई एम नॉट आस्किंग फॉर द मून, आपसे मैं ऐसा कोई चीज़ नहीं मांग रहा हूँ जो अनरीजनेबल हो। तो आस्किंग फॉर द मून का मतलब होता है कि कोई उस तरह की चीज़ मांग लेना जिसे देने वाले के लिए जो है वो देना कठिन हो जाए, ठीक है। आई एम नॉट आस्किंग फॉर द मून, ओके, मैं तो केवल ये रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, यू प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल ज्ञान गार्डन, ओके, एंड लाइक दिस वीडियो। इसी तरह से आइए अब अगला देखते हैं, बार्किंग एट द मून। बार्किंग एट द मून का मतलब होता है कभी कभी जैसे अंधे के आगे रोना, अपना दीदा खोना। आप वैसे आदमी के पास जाकर कुछ मांग रहे हैं जो आपको वह चीज़ नहीं देगा, उसने सोच लिया है कि नहीं मैं यह नहीं दूंगा, ठीक है, और आपका रोना धोना वहाँ पर बेकार हो जाएगा, आपकी आरजू वहाँ बेकार हो जाएगी, आपका मिन्नत करना वहाँ पर बेकार हो जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट से मैं यही तो कह रहा हूँ कि थोड़ा क्राइम कंट्रोल पर ज़्यादा ध्यान दीजिए, क्राइम कंट्रोल पर ज़्यादा ध्यान दीजिए, क्योंकि हर गली चौराहे में अब गब्बर और कालिया दिखने लगे हैं। तो जब इस तरह का हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं तो हम जानते हैं कि आई एम बार्किंग एट द मून, ऐसा होने नहीं जा रहा है, ओके, क्योंकि वे लोग जस्टिफाई करेंगे कि नहीं लॉ एंड ऑर्डर कहाँ खराब है, ओके। तो ये हमको एक रिलीवेंट एग्जाम्पल लगा, ठीक है। बार्किंग एट द मून का मतलब होता है कि यू आर बार्किंग एट द मून इफ यू आर आस्किंग द गवर्नमेंट यू नो टू पे अटेंशन टू द लॉ एंड ऑर्डर। ये किसी खास गवर्नमेंट के बारे में मेरा इशारा था, ओके। सो बार्किंग एट द मून का मतलब क्या हुआ कि किसी वैसे आदमी के पास जाकर कुछ उम्मीद करना जो आपको वो देगा नहीं, ठीक है। वंस इन अ ब्लू मून स्टूडेंट्स की ये शिकायत रहती है कि हॉस्टल में खाना अच्छा नहीं मिलता है, ठीक है, और कभी हो गया 15 दिन 20 दिन एक महीना पर कुछ अच्छा बना दिया, ठीक है। तो आप कह सकते हैं कि सम होस्टल्स प्रोवाइड यू नो नाइस फूड, होलसम फूड वंस इन ए ब्लू मून। अच्छा भोजन तो तभी देते हैं जब एकदम महीना दो महीना में कभी एक बार वैसा दे दिया, ठीक है। सो वंस इन अ ब्लू मून का मतलब होता है कि कभी कभार, ओके, वंस इन अ ब्लू मून। और मूनी, मूनी का मतलब होता है कि जो थोड़ा नट्स हो गया हो, थोड़ा पागल हो गया हो, ठीक है, ढीला हो गया हो, अनहिंज्ड हो गया हो। जैसे अभी पाकिस्तान ने कहा कि ये तो भाई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का लगता है कि कुछ करिश्मा है, कहीं भेजा वजा कुछ नहीं है। तो आप कह सकते हैं कि सम ऑफ आवर नेबर्स हैव गोन मूनी, ओके, टू सी आवर सक्सेस, ओके, ऑफ चंद्रयान
मिशन। थैंक यू।